ये चीज हमको मान के चलना है। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा चुनाव सत्ता के साथ था, हमारा चुनाव धनबल के साथ था, उसके कारण हम हार रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ लोग जो बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, जो मंच पे बैठे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती हो सकती मेरे में हो, इसलिए हम हार रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं है। हमको ये जो समय है, आत्मचिंतन और मनन करने की जरूरत है कि आने वाले समय 3 साल का है, अब तो 3 साल भी नहीं बचे हैं, ये मालूम नहीं पड़ेगा और निकल जाएगा। उसके पहले हमें कांग्रेस को मजबूत कैसे हो उसके लिए काम करने की जरूरत है। हम आपके बीच में जब भी आए हैं, और दादा आपके बीच में बहुत लंबे समय से हैं, एक एक घर से नाता है, दादा को किसी के 5 पीढ़ी किसी को 6 पीढ़ी तक के नाम याद है। तो ये इतना मजबूत संबंध होने के बाद भी अगर हम हार रहे हैं तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्यों हार रहे हैं। जब गांव में प्रचार में जाते थे, पूरा गांव साथ में चलता था, और उसके बाद रिजल्ट आया तो उस गांव से हम हार रहे हैं। हम पिछली बार कमलनाथ जी से भी मिले थे और हमने ईवीएम की कुछ चीजें पकड़ी, वो भी बताई, और 3-4 दिन पहले जो हम कमलनाथ जी को देख के आए थे, उनने दिग्विजय सिंह जी को दिया, दिग्विजय सिंह जी ने बोला है, हम आधे घंटे हमारे उस पर बात हुई। तो कुछ ना कुछ उनमें भी गलतियां हैं जिसके कारण हम हार रहे हैं। पर बात यह है कि चुनाव हार गए, हम नहीं हार रहे हैं। हमको मजबूती से काम करने की जरूरत है। जो हो गया है, जिनने जो भी किया है, वो आपके बीच में अभियान नहीं बैठे, किस मुंह से आएंगे? ठीक है, उनको अगर वो सब चीजों में अच्छा था, वो उनके बीच में जाए रहे, कोई बुराई नहीं है। पर जो लोग मजबूती से इतने दिनों से कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, दादा के साथ थे, हम उनके बीच में रहेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं, पहले भी दादा सुनते आए हैं और हम आज भी आपके बीच में रहेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होगा तो सहन नहीं किया जाएगा, आंदोलन करेंगे। वो कोई भी ऑफिस हो, वहां जाकर उसकी सीट बजा देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है। जीत हार अलग बात है, पर मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग भी सत्ता में थे, हमने ऐसा काम नहीं किया। देश का वित्तीय प्रबंधन फेल हो गया। जिस मनमोहन सिंह ने इस देश को यहां लाके खड़ा करा था, वो देश का वित्तीय प्रबंधन फेल हो गया। बीपीसीएल की कंपनी जो पेट्रोल पंप बीपीसीएल के और गैस आती है, वो 18,000 करोड़ साल का कमा के देती है, वो 74,000 करोड़ में मोदी जी उसको बेच रहे हैं। लोगों को मतलब बहुत तकलीफें हैं। रेलवे देर निजीकरण में जा रही है, हवाई जहाज के हवाई अड्डे निजीकरण में जा रहे हैं, तमाम चीज निजीकरण में जा रहे हैं। जिस मनमोहन सिंह ने देश को जहां बना के गया था, जब वित्तीय प्रबंधन फेल हुआ तो निजीकरण पे जा रहे हैं। खाली भाषण के सिवाय कुछ हो तो आप देख लो। वो किसान जो है अपने यहाँ के अंगूठे जाप अपन किसान नहीं है, वो पढ़े लिखे किसान है जो 40-45 दिन से बैठे हैं, वो ये बात को समझ गए अच्छे से कि ये काला कानून, ये 3 कानून वापिस लिया। तुम यहां जो बात कर रहे हो ना, सबको याद आ जाएगी मेरी बात, तुम धाड़क्या बन जाओगे, धाड़क्या। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता से आई थी, और अभी की जो अडानी और अंबानी कंपनी है वो गुजरात से घुस रही है। कहां से घुसी है? गुजरात से। वो किसान सही बोल रहे हैं, ये काला कानून अगर वापिस नहीं हुआ तो किशन लाल भाई भले ही क्रेटा में कि I-20 में घूम रहे, भूल जाओगे किशन लाल भाई, इतना खतरनाक कानून है ये। 15 कांग्रेस भी समर्थन दे रही 15 तारीख से आंदोलन करना। मेरा ये कहना है, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे आंदोलन करने की जरूरत है, और किसान के समर्थन में खड़ा होने की जरूरत है, उसको ताकत से साथ देने की जरूरत है। 1 रुपए किलो का गेहूं मनमोहन सिंह देके गए समझाने के।
कार्यक्रमों की जरूरत है, इसी बीजेपी के नेता का काम नहीं है। गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका पूरा बीजेपी का ही काम करती है। उज्ज्वला योजना 5 किलो की टंकी फ्री मनमोहन सिंह कर गए थे, इनकी खुद की कौन सी एक भी योजना जरूरत? देखो ना, अध्ययन करो ना, इस देश में जो देश इस जगह पहुंचा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, स्वर्ण जयंती योजना मनमोहन सिंह की देन है। वो तमाम योजना लोगों को बताने की जरूरत है। चुनाव कितने बिंदु पे हम कमजोर हो गए? पहला बिंदु, 2 दिन के अंदर जब बीडी शर्मा की कुर्सियां खाली रही हो गया, शिवराज की मीटिंग फेल होने लगी वो गए, इसके बाद उन्होंने निर्णय करा कि इसका क्या हल है। तो उन्होंने ये कहा कि बिल्लोद में मेहताब सिंह जी कितने फिर बिकेंगे? उन्होंने कहा 5 लाख, तो मेहताब सिंह जी को 5 लाख रुपए दे। उन्होंने कहा कि धनराज कैसे कब्जे में आएगा, तो बोले अभी कार्यक्रम रख दिया है। अच्छा, तो ये लोगों का शुरू से ही प्रेम है, सन 85 में विधायक बनाने वाला ही बलड़ी बुला रहा है। और मेरी 70 साल की उम्र हो गई, हम उस नस्ल में पैदा हुए लोग हैं कि राणा सांगा को 80 घाव लगने के बाद भी वो लड़ता रहा। तो इसलिए इस पब्लिक ने 58-59 हज़ार वोट अभी भी दिए हमारे लड़के को, तो इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। यही आज के जन्मदिन का संकल्प है। और जो से लड़े और जो जो गुजरात से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, अडानी और अंबानी, उसका पुरजोर विरोध करते हैं।